आपके पास बाइक का म्यूजिक सिस्टम है और उसका रिमोट खो गया है तो आप क्या करें? इसके लिए हमें एक पेच का चाहिए। इसको जी इस साइड हमें जी स्क्रू दिख रहा है जी, खोलेंगे हम इसको इस प्रकार को लेंगे। फिर इसमें से जी हम सॉकेट को बाहर निकालेंगे। फिर इसके जी पीछे के नहीं खोलेंगे, आगे के स्क्रू खोलेंगे। इस प्रकार से कुछ अंदर को आपको दिखेगा। अगर आप जी बटन नहीं खोलेंगे तो ये डिवाइस नहीं निकलेगी अंदर से। फिर अब हम इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसमें से जी निकल चुकी है। आप इसमें जी सॉकेट लगाएंगे। और इसको चेक करने के लिए हम एक लेंगे 12 वोल्ट की बैटरी 7 एम्पियर में। जे रही 12 वोल्ट की बैटरी। एक लेंगे हम स्पीकर जो कि इसके जे हाइट वाले वायर में कनेक्ट करेंगे स्पीकर को कुछ इस प्रकार। स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसका रेड वायर लगाएंगे हम प्लस में, यानी कि इसमें और देखिए इसमें पावर ऑन हो गया है। हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो इसमें पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें हम पेनड्राइव लगाएंगे। इसका रिमोट खो गया है, इसके बाद जी कुछ काम नहीं करेगा। इसको वर्क कराने के लिए इसमें आपको जो दिख रहा होगा, देखिए इसमें पावर आ चुका है। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे इसको, इसमें आप जो देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है GND प्रीवियस नेक्स्ट पॉज पावर। हम इसमें कनेक्ट करेंगे GND प्लस पावर को। हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे, फिर उसमें करेंगे GND प्लस पावर। अब हम इसका एक बार GND में लगाएंगे और हम एक बार इसका पावर पे लगाएंगे। देखिए जैसे चालू हो गया है, इसका हम पेंटर खींच के लगाएंगे।